नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुमंतु भारत पर। इस बार सोनीपत के 10 अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, जिसमें शुरुआत हम करेंगे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के बारे में, जो 2026 एकड़ में करीबन 13 यूनिवर्सिटीज़ के साथ फैली हुई है। सोनीपत को गौरवान्वित करते हुए जिसमें SRM, अशोका, IIT दिल्ली जैसी बहुत सारे कैंपसेज अवेलेबल रहेंगे। नंबर 2 पर है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर, सेक्टर 23 फ्रॉम सोनीपत। जी हाँ फ्रेंड्स, द्वारका के बाद दूसरे नंबर। तीसरे नंबर के लिए फ्रेंड्स एक फैक्ट ये भी है कि महाभारत समय में युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 प्रस्थ मांगे थे, जिनमें से एक प्रस्थ सोनप्रस्थ यानी स्वर्णप्रस्थ और सोनीपत के नाम से मशहूर हुआ। नंबर 4 के लिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे गन्नौर में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट के बारे में, जो करीबन 2000 करोड़ की लागत में तैयार होगी, जिसको 493 एकड़ के अंदर फैलाया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाएगी फ्रेंड्स। नंबर 5 पर आते हुए एक ऐसे कॉरिडोर की बात करेंगे जो अमृतसर से सोनीपत, दिल्ली, कोलकाता पहुंचेगा, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो व्यापार को बहुत आसान कर देगा फ्रेंड्स। 6 पर मैं बात करूंगा यमुना नदी की फ्रेंड्स, जो आज सोनीपत से करीबन 11 किलोमीटर दूर बहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक समय था जब सोनीपत के अंदर बड़े बाजार तक, मतलब बस अड्डे तक, यमुना जी का जल बाढ़ लेकर सोनीपत के अंदर तक घुसाता था, जो अब सुरक्षित हो गया है। पानीपत की लड़ाई के बारे में आपने बहुत सुना होगा फ्रेंड्स, लेकिन नंबर 7 पर सोनीपत की लड़ाई का वो दृश्य है जब 1709 में शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सोनीपत और पंजाब को मुगलों से आज़ाद कराया। दोस्तों, सोनीपत इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कभी पीछे नहीं रहा। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने सोनीपत से शुरुआत की, उनमें से नाम है VST, ECE, पोशराम और एटलस साइकिल्स। बेहद उम्दा नाम जिन्होंने सोनीपत के परचम को विश्व स्तर पर लहराया, और आज भी सोनीपत को इन नामों के जरिए पहचाना जाता है। एटलस की शुरुआत सोनीपत से ही हुई थी। अमेजिंग फैक्ट्स में नंबर 9 पर एक ऐसी मस्जिद जिसे बाद में मंदिर के रूप में बदल दिया गया, गीता भवन चौक पर स्थित है, देखने लायक। 10वें नंबर पर हम जिक्र करेंगे मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई का। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 1973 में इसे बनाया था। 400 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में मोतीलाल नेहरू हमारे देश की सेवा के लिए संलग्न कर चुका है, देश के 10 टॉप बोर्डिंग स्कूल्स में गिना जाता है। अंत में यानी 11वें नंबर पर साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहालगढ़ का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। देश भर के 56 सेंटर्स में से एक सोनीपत के पास भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2014 तक 212 इंटरनेशनल लेवल के मेडल्स हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।